आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति ने घर जाकर किया सम्मानित, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूछा है, मेरठ में चुनावी अभियान का आगाज कर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस को आयकर विभाग ने थमाया नया नोटिस, अब तक 3,567 करोड़ रुपए टैक्स की डिमांड की। मुख्तार अंसारी की बैरिक सील, जांच के बाद परिवार को मिल जाएगा सामान। बिहार बोर्ड मैट्रिक में शिवांकर ने किया टॉप। तुर्की सीमा के पास सीरियाई शहर में कार में बम विस्फोट से 8 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। इसराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई की मांग, 16 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाने आ रही शैतान, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिल्म। दिया और बाती की एक्ट्रेस ने रचाई शादी, देखिए फोटोज। और 44 के रोहन बोपन्ना ने फिर रचा इतिहास, जीता मियामी ओपन, बने नंबर वन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर आडवाणी के परिवार की ओर से भी 10 लोग उपस्थित रहे। कल ही 4 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सम्मान दिए जाने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आडवाणी के घर पर ही मौजूद थे। माना जा रहा है कि घर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखने के पीछे का मकसद आडवाणी की सेहत और वृद्धावस्था रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा कर चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती रही है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूतों को जन्म दिया है। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरा इस धरती से अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने के चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन ना बने इसका चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को अल्टीमेटम ईयर 2024-25 से 2016-17 के लिए 1745 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है। इस नोटिस के साथ आयकर विभाग ने कांग्रेस को 3,567 करोड़ रुपए के नोटिस दिए हैं। कांग्रेस ने बताया है कि शुक्रवार को आयकर विभाग से मिले